या देखिए ये शर्ट किसी भी एंगल से मेरी लग रही है, नहीं ना? हाँ गाइस, ये मेरी शर्ट नहीं है, ये है मेरे भाई की। मुझे मेरे भाई की शर्ट पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, और लड़कों वाली टी शर्ट पहनना पता नहीं क्यों पसंद है, क्योंकि खुली डुली मुझे अच्छी लगती है। तो मैं आ गई हूँ मार्केट से, और मेरी माचिस ख़त्म हो गई थी ना कल शाम को, और मेरे पास लाइटर भी नहीं था, लाइटर भी ख़राब हो गया था, और मतलब मैं खाना नहीं बना पा रही थी। तो मैं आज पूरा एक डब्बा लेके आई हूँ, इसमें बड़ी बड़ी माचिस है 6। चलिए, क्योंकि देखने को एक छोटी सी माचिस है ना, लेकिन काम इसके बड़े बड़े होते हैं, और अगर ये नहीं है तो बड़े बड़े काम ठप हो जाते हैं। और मैं सो छोटा सा साबुन लेके आई, बड़ा वाला 30 वाला था, तो मैं छोटा वाला लेके आई 10 वाला, क्योंकि डिटॉल साबुन इस टाइम बहुत अच्छा है, ये हमारे कीटाणुओं को ख़त्म मार देता है अपने हमारे हैंड्स के। फ्रूटी लेके आई हूँ, और ये अभी ब्रेकफास्ट के साथ करूँगी मैं ब्रेड, और कुछ मटर लेके आई हूँ मैं, और सब्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। जो मटर है ना वो यहाँ पे कितने हैं, 40-45 मतलब वो केजी है, और बनाना है ये भी 60 रुपये केजी है। आप ज़रूर बताइएगा आपके क्या भाव है सब्जियों के। तो गाइस यहाँ पे मैं चलिए ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। परांठे फ्रूठे मेरे से नहीं बने आज, तो मैं ब्रेड ही लूँगी। और एक तो मैं लेट उठी थी सो के, तो फिर मैंने सोचा चलिए ब्रेड से ही काम चला लेते हैं। ब्रेड मैं बहुत बहुत कम खाती हूँ, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। अगर मुझे अच्छे लगते हैं तो मुझे एग के साथ अच्छे लगते हैं, ऐसे मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। या तो फिर बटर हो ना, तो बटर के साथ भी वैसे अच्छे लगते हैं, और सादे ब्रेड मुझे खाने अच्छे नहीं लगते हैं। चलिए, कोई अपनी अपनी पसंद होती है ना, और वैसे सादे भी बहुत ही कम लोग खाते हैं। तो 12 बजे का टाइम है, तो मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी। ये मैंने दूध लिया था पीने के लिए, लेकिन मैंने पिया नहीं, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करा, तो इसका दही जम गया है, और ये दही भी नहीं है, इससे स्मेल सी आ रही है, तो मैं इसको फेंक देती हूँ, अभी बिना काम का है। अगर इस तरह से दूध फट जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कि मुझे एक्चुअली नॉलेज नहीं है, तो मैं इस दूध का क्या कर सकती थी। मुझे लगता है कि इस तरह से इसका मतलब मुझे वेस्टेज नहीं करना चाहिए, और ऐसे दूध का जो दूध से दही बन जाए, इसमें मीठा था, इसका क्या बन सकता था, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आइंदा से इस तरह से इसको वेस्ट ना करूँ। तो यहाँ देखिए मुझे फेंकना पड़ रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है आपको, यहाँ का मौसम भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए कितनी हरियाली ना, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना एकदम से गर्मी हो गई है, और यहाँ पे मेरे रूम में फ़ैन भी नहीं है, तो मैंने नीचे कंबल लगा दिया था और नीचे ही लेट गई थी, और झाड़ू लगा दिया था मैंने, उसके बाद ही मैंने ब्लैंकेट नीचे बिछाया। और तो मैं अब यहाँ पे सफाई करूँगी। ये पकौड़े बचे थे कल शाम के थोड़े से, ये मैंने एक दो खाए और फिर फेंक लिए। चलिए अब सारी सफाई करने वाली हूँ मैं, तो चलिए इसको उठा लेते हैं और फिर अब झाड़ू लगा देते हैं। और अगर रूम में सफाई हो ना तो अच्छा लगता है, बैठना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है। अगर सफाई ना हो, सामान इधर उधर बिखरा हो, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है फिर। वैसे तो मेरा मन नहीं करता है इतना काम करने का, लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैं कर लेती हूँ। और अब मैं इसको भी रख देती हूँ बनाना, तो मैं इसको भी खा लेती हूँ अभी। और गुड इवनिंग गाइस, और ये है शाम का टाइम, डिनर की तैयारी हो रही है, तो मैंने मटर काट लिए, मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और प्याज भी मैंने काट लिया है। मटर मुझे आलू के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मटर मुझे सिंगल अच्छा लगता है, और मटर पनीर अच्छा होता है, और इस बंद गोभी के साथ मुझे मटर अच्छा लगता है, आलू के साथ मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर लगा दिया है तड़का मटर पर, तो बस अगर मैं इसको कढ़ाई पे बनाऊँ ना तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। सब्जी वैसे कढ़ाई में बनानी चाहिए, लेकिन मैं कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि एक सीटी दो सीटी में हो जाती है और हमारा टाइम बच जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, अब इसमें मैं दो सीटियाँ मतलब आ जाएगी, तो फिर मैं इसको उतार लूँगी, और जो ये सब्जी होगी इसको मैं कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगी, और इस जो कुकर है ना, कुकर मेरे पास एक ही है रूम में, तो कुकर में मैं चावल डालूँगी। तो इसमें गाइस सिटी आ गई है, और तो बस अब देखते हैं कि पक गए हैं। तो गाइस यहाँ देखिए मेरे जो मटर है वो रेडी है, और
थोड़ा सा मैं इनको उबालूंगी और इस इंडक्शन के ऊपर लगाऊंगी कढ़ाई में, और इसमें गैस के ऊपर मैं चावल डाल लूंगी इसी कुकर में। तो ये खीरा, इसको मैं काट लूंगी। काफ़ी टाइम के बाद मैं खीरा लेके आई हूँ। पक्के पक्के खीरे थे, मुझे हर एक खीरे अच्छे लगते हैं, पर नहीं ये अच्छा था। तो इसको मैं थोड़ा सा गार्निश कर लेती हूँ काजू बादाम से। नहीं नहीं काजू बादाम से नहीं, इसमें मैं मिर्च 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 से गार्निश कर रही हूँ। मिर्च डाल रही हूँ, कुछ मसाला पाउडर और कुछ नमक इसमें मैं ऐड करूँगी। और अब गर्मियों के मौसम में मुझे ना खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं और ज़्यादा लाने वाली थी लेकिन अच्छे नहीं थे। तो फिर उन्होंने बोला कि आप एक लेके जाओ, अच्छे हैं, जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है, अंदर से बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो सच में अंदर से अच्छे टेस्टी थे खाने के लिए। तो गाइस यहाँ देखिए मेरा जो डिनर है वो भी रेडी हो गया है और मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख। यहाँ देखिए कितने सारे मैंने चावल लिए हैं, तो मैं आप लोग को भी बुला रही हूँ। तो गाइस आप लोग भी आ जाइए फटाफट से मेरे साथ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो यहाँ पे आई हूँ मैं पानी लेने के लिए सुबह सुबह। हाँ मेरे बाल, अब करती हूँ ब्रेकफास्ट। गाइस बाय बाय एंड टेक केयर। तो गाइस यहीं पे मैं व्लॉग की एंडिंग करती हूँ, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।